दोस्तों एक टैग है जिसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, हैशटैग के बारे में। यह है स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी स्टूडेंट। जब मैंने इस टैग के बारे में देखा, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, सबके ऊपर ये दोस्तों ट्रेंडिंग में छाया हुआ है। जितने भी टीचर्स हैं हर एक के नाम पे, हर एक के जुबा पे ये है। जितने भी स्टूडेंट हैं हर एक के जुबा पे ये है। अब ऐसा स्टूडेंट, ऐसा टीचर ऑफ करंट अफेयर, मैंने इस बात को जानने को इसकी इशू है क्या, ठीक है, बच्चे क्यों उतना मतलब इस बात को परेशान है इस बात को लेके, और ये हैशटैग है क्या यार स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी स्टूडेंट, पूरा मैंने जानने की कोशिश की। तो मुझे यहाँ पे दोस्तों इस हैशटैग को पूरा समझने के बाद बहुत दुख हुआ। दुख क्यों हुआ दोस्तों, तीन साल पहले एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, और आप गनीमत मानिए कि आज तक दोस्तों इनका रिजल्ट ही नहीं आया। मतलब कि वो लाखों बच्चा जिसने इसकी प्रिपरेशन की, ठीक है ना, उसको पता ही नहीं है कि उसका होना क्या है। भाई उसकी जॉब लगनी है या वो कोई अपना बिजनेस चालू करे, वो असमंजस में है, उसको पता ही नहीं है। वो कह रहा भाई मेरा एसएससी का रिजल्ट है भाई, जारी कर दो, ठीक है। अरे टीयर थ्री के एग्ज़ाम में 50,000 बच्चे हैं, ऑन द सेकंड हैंड आपको कंप्यूटर वाली आपको वो करानी है पूरी, ठीक है ना, आपको वो लेना एग्ज़ाम, तो आपके दो एग्ज़ाम हैं, फिर तो कंप्यूटर वाली फॉर्मेलिटी में तो और स्टूडेंट कम हो जाएंगे। टीयर थ्री में 50,000 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो जब आप भाई नीट का एग्ज़ाम ले सकते हो, जेई का एग्ज़ाम ले सकते हो जिसमें लाखों बच्चे बैठेंगे जाके, तो आपको इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट करने में दिक्कत क्या है, ठीक है। एसएससी के बच्चा पूछ रहा है गवर्नमेंट से, एसएससी कमीशन से पूछ रहा है कि भाई आप हमें ये बता दो कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, हम कब जान पाएंगे कि हम सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर नहीं सिलेक्ट हुए तो भाई हम कुछ काम जाके कर लें। लेकिन दो तीन साल से बच्चा फंसा हुआ है, परेशान है, और आजकल ऐसा लग रहा है मुझे इस पूरे इशू को देखने के बाद कि बच्चे के लिए अब इलेक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। जब इलेक्शन आते हैं तो हमारे मोदी जी कह देते हैं कि भाई यूथ के लिए 2 करोड़ जॉब निकालूंगा, और यूथ पगला जाता है एकदम, ठीक है, मतलब बीजेपी के झंडे ले लेता है, हर तरीके से बीजेपी का प्रचार करता है। लेकिन आज क्या है इस यूथ के लिए दोस्तों, दो तीन साल से अरे एग्ज़ाम अटका हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के हाथ में एग्ज़ाम है। चाहे तो दोस्तों प्राइवेट कोचिंग जो होती है ना, वो 50,000 बच्चों के एग्ज़ाम दोस्तों वीक में निकाल सकती हैं, ठीक है, बड़ा नंबर नहीं 50,000 स्टूडेंट। लेकिन यह एसएससी कह रहा है कि कोरोना वायरस है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं, हमारे पास लॉजिस्टिक नहीं है, इस वजह से हम इसको एक्ट आउट नहीं कर पा रहे, हम नहीं यहाँ पे रिजल्ट आउट नहीं कर पा रहे। चलो ठीक है, आप नहीं रिजल्ट आउट कर पा रहे तो वहीं पे गवर्नमेंट की और एजेंसी जो नीट के एग्ज़ाम लेती हैं, जेई के एग्ज़ाम लेती हैं, वो क्यों एग्ज़ाम ले रही हैं इस समय पे, ठीक है ना। मतलब एक तरफ तो गवर्नमेंट एजेंसी कह रही है कि हमारे पास COVID-19 की दिक्कत है भाई, हम नहीं ले पाएंगे, दूसरी तरफ नीट वाले जेई वाले बच्चे कह के थक गए, प्रोटेस्ट कर थक गए कि भाई मत एग्ज़ाम लो, क्या लोगे, जान लोगे हमारी, ठीक है। हालांकि मुझे पता है कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जिन्हें प्रिपरेशन कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, और बस वो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाए। लेकिन यहाँ कुछ बच्चे सीरियस भी हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम कुछ दिन के बाद करा लो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं भैया कोरोना तो चलेगा, ठीक है, और आपको एग्ज़ाम अभी देना पड़ेगा, देना है दो वरना मत दो, सही है। चलो ठीक है, मैं इस बात को ठीक मानता हूँ, क्योंकि दोस्तों हम लोग अगर पूरे दिन कोरोना कोरोना करते रहेंगे ना तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। 3 लाख करोड़ दोस्तों का जो है स्टेट को नुकसान हो चुका है, ठीक है, GDP 24% कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, तो हमारे को कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो हमारे को वर्क नॉर्मल करना, मैं मानता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ गवर्नमेंट का विजन है, मैं साथ में खड़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट साथ में हमेशा खड़ा होता हूँ। चाहे मेक इन इंडिया ऐसा फ्लॉप स्टेप जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, हालांकि उसके पीछे इंटेंशन तो बहुत अच्छी थी, ठीक है, लेकिन जैसे PMJDY के पीछे थी, लेकिन यहाँ भी इंटेंशन गवर्नमेंट की पवित्र थी, लेकिन क्या करें, स्टेप नहीं लिए गए भरपूर, इसलिए मेक इन इंडिया फेल हो गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के जितने इनिशिएटिव्स होते हैं, मैं बहुत एक अच्छे नागरिक की तरह उसके साथ रहता हूँ, गवर्नमेंट मेरी है तो मैं भैया गवर्नमेंट के साथ में खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पे ना दोस्तों कुछ ऐसे स्टेप हो रहे हैं, हमारे स्टूडेंटों के लिए पढ़ाते हैं, अगर उनको दिक्कत होगी तो सीधी बात हमें दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ना यार कुछ दिन से क्या हो रहा है कि भाई एसएससी का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है, बच्चों पढ़ चुके हैं, सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें भाई। अगर यार सिलेक्शन ना हो तो चलो अच्छा अगले साल की तैयारी करें, लेकिन उनके सामने सिनेरियो नहीं क्लियर हो रहा ना कि क्या चक्कर है, रिजल्ट आपने फंसा के रहा, रिजल्ट आप दे नहीं रहे हो। एसएससी कमीशन दोस्तों इतना हल्के काम करती है, इतना हल्के काम करती है
कि बेचारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। पीसीएस का रेट वो 3-3 सालों में आता है, मतलब बच्चा 3-3 साल तो इंतजारी करे बेचारा, अब वो एग्ज़ाम दे, फिर 3 साल इंतजार करे, फिर 1 साल में और फॉर्मेलिटी पूरी करे, 3 साल ट्रेनिंग करे, फिर जाके उसकी जॉब लगती है, ठीक है, मतलब बच्चा बेचारा बूढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ये बस समझनी पड़ेगी गवर्नमेंट के लिए कि बच्चों को इतना मत परेशान करो यार, ठीक है, क्योंकि बच्चा बोची है ना जो गवर्नमेंट बना भी देता है बिगाड़ भी देता है। फर्ज से अर्थ पे बीजेपी आई दोस्तों, एनडीए गवर्नमेंट आई, ठीक है, वो आई दोस्तों हमारे इन्हीं बच्चों की वजह से, इन्हीं बच्चों की वजह से जिन्होंने बीजेपी को बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, इसी की वजह से आई। लेकिन अगर आप दोस्तों इनका साथ नहीं दोगे ना, इनके लिए काम नहीं करोगे दोस्तों, पहली बात तो ये है ना, क्योंकि मैं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, मोदी जी मेरे पीएम हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल की सबसे उच्च सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ उनके लिए गए कुछ स्टेप के लिए, लेकिन डेमोक्रेसी है, ठीक है, मैं उनके हर एक स्टेप को अंधे तरीके से फॉलो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को दोस्तों देखना पड़ता है जो गलत होती हैं, और यहाँ पे गलत ये हो रहा है दोस्तों, मेरी मोदी जी से दोस्तों कोई दुश्मनी नहीं है, आई लाइक हिम वेरी मच, मैं आपको रियल बताऊँ, ठीक है, मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, हर जगह सपोर्ट करता हूँ, मेरे हर एक आपको मीडिया हैंडल पे सपोर्ट मिलेगा उनका, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना, देखो SSC है, IUPS है, और आपका दोस्तों NTPC है, ये सबके सब काम करते हैं अंडर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या कर रही है दोस्तों, इनके भले के लिए, बालकों भले के लिए काम कर ही नहीं रही। आप खुद सोचो यार, अगर भले के लिए काम करेगी तो बच्चों को 3 साल लटका के रखेगी, ठीक है, 3 साल बेचारा बच्चा क्या करे इस इन्फ्लेशन में दोस्तों, जहाँ पे फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, कपड़ों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री धड़ल्ले से गिर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट का पता नहीं है, अगर ऐसे कंडीशन दोस्तों, अगर यार बच्चों के लिए जॉब नहीं मिलेंगी ना, बड़ी दिक्कत होगी। NTPC 3 करोड़ जॉब का दोस्तों निकली, लगभग 3 करोड़ थी जॉब निकली, बच्चों ने 500 रुपये दिए दोस्तों, ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट ने कहा हम 100 रुपये आप दे दो, 400 रुपये वापस करा देंगे, ठीक है, आज तक बच्चों अकाउंट में 400 रुपये आए नहीं। अब दोस्तों आप खुद लगा लो, 300 करोड़ × 500, ठीक है, कितना बड़ा अमाउंट जाके बनता है, 3000 करोड़, ठीक है, और 3000 करोड़ दोस्तों एक बहुत ही 1500 करोड़, और 1500 करोड़ दोस्तों एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट यार यहाँ भी रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिख रही, लग ही नहीं रहा गवर्नमेंट का मन एग्जाम कराने का। अगर मेरे समझ नहीं आता, अगर आपको नीट का एग्ज़ाम लेना है, JEE का लेना है, तो NTPC में क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसमें इतने सारे बच्चे हैं, तो बच्चे तो लाखों वहाँ पर भी हैं ना, बच्चे तो लाखों वहाँ पर भी हैं, JEE में जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, आपका उसका दे रहा है नीट का, वहाँ भी तो लाखों बच्चे हैं, उनकी भी जिंदगियाँ हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है देश के लिए। और आप सीधी सी बात है, देश युवाओं से चलता है, ठीक है, देश को चलाने के लिए युवा बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और अगर आप युवाओं के साथ ऐसा करेंगे दोस्तों, NTPC का रिजल्ट आया, NTPC का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया आपने, चलो आप मत कंडक्ट कराओ, मैं मानता हूँ चलो COVID-19 ने मत कराओ, यार डेट तो दे दो, बच्चों को डेट तो पता लगे एटलीस्ट किस डेट को देना, चलो आप डेट को एक्सटेंड कर देना, आपको नहीं लग रहा हमारे पास लॉजिस्टिक नहीं है हम नहीं करा पाएंगे, आप डेट को एक्सटेंड कर दो, बट एग्ज़ाम तो कराओ जिससे बच्चों की समस्या दूर हो। अरे बच्चे पढ़ना तो शुरू करें यार, बच्चों से पूछो बेटा रिवीजन कर लिया आपने, हमने पढ़ाया था, बच्चे कहते किसका रिवीजन सर, पेपर ही नहीं पता कब होगा, ठीक है, बच्चों से पूछता हूँ बेटा रिवीजन हो गया आपका, तो बच्चे कहते सर किस बात का रिवीजन, तो मैं कहता हूँ अरे पेपर नहीं देना, बोलते सर 3 साल हो गए पेपर तो हुआ नहीं है, तो सुन के हमें बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, बच्चे रियलिटी बोल देते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, वो रियलिटी है यार। अगर मैं भी किसी पेपर को देने जाऊंगा, 3-3 साल तक पेपर ही नहीं होगा, तो मेरा मन हट जाएगा यार, मैं क्यों पेपर दूंगा किसी का। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है यार कि आप सबों से, आप सभी से, और ख़ासकर मीडिया से, कि मीडिया जो दिखा रही है ना आजकल दोस्तों, ये सुशांत राजपूत सिंह जी और रिया, ठीक है, मतलब यार मैं क्या बताऊँ, मैं किसी भी टाइम दोस्तों टीवी खोल लूँ, किसी भी टाइम आज तक लगा लूँ, इंडिया टीवी लगा लूँ, मुझे दोस्तों यही दो चेहरे दिखते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है यार, ये बंदा मेरा बहुत ही फेवरेट बंदा है, और मैं दिल से चाहता हूँ उसको जस्टिस मिले, ठीक है, कि किसी के साथ गलत, इनके साथ क्या, अगर किसी के साथ भी गलत हुआ है तो उसे जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे रईस हो। अब आपको पता है CBI काम कर रही है, मिलेगा दोस्तों जस्टिस, ठीक है, लेकिन टीवी पे पूरे दिन दिखा दिखा के यार दिमाग पक जाता है भाई। आप इस डेमोक्रेसी के जो मीडिया हाउसेस होते हैं ना, वो डेमोक्रेसी के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, उनको बच्चों का साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ में खुल के आना चाहिए कि सर कुछ करिए, आप हमारे हैं, गवर्नमेंट यार हमारी है, ठीक है ना, हमारे को गिले सिख भी होंगे बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट ऐसे करके जैसे हमारे घर में कोई बड़ा होता है,
हमारे पापा होते हैं, कोई दिक्कत होती है उनसे बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, पोजीशन करते हैं उनका, तो हम इसी तरीके से पोजीशन कर रहे हैं यार, कुछ करो, ठीक है ना। मीडिया हाउसेस में इसको आगे आना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए बच्चों का। लेकिन यहाँ क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, रिया राजपूत, अरे रिया, ठीक है, और राजपूत जी, इनसे मुझे दोस्तों बहुत हमदर्दी है, और मैं ऐसी भगवान से दुआ करूँगा दोस्तों कि बहुत जल्दी जस्टिस हो, ठीक है। सीबीआई लग चुकी है, और सीबीआई दोस्तों वो एजेंसी हमारे देश की जिस काम के पीछे लग जाए उसे ख़त्म ही करके मानती है, ठीक है। तो मैं भाई कहूँगा यार मीडिया वालों से इसको दिखाना बंद करो, हालांकि गलती हमारी ही है, क्योंकि हम ऐसी चटपटी खबरों को देखना पसंद करते हैं, कायदे की खबरों को नहीं पसंद करते हम लोग देखना, हम लोग ऐसी खबरें देखना पसंद करते हैं कि ये खबर है, मतलब यार मैं इतना परेशान, इतना इरीटेट हो चुका हूँ उनको देख देख के, ठीक है। अच्छी बात है यार, 2 से 3 हो रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मीडिया हाउस ने इसको इतना दिखाया, इतना दिखाया, इतना दिखाया भैया, कतई परेशान कर दिया, ठीक है। वो यूथ जो परेशानी में है, ठीक है, उसको दिखाई नहीं रहे। क्या चल रहा है सुशांत के साथ, आप देख रहे हो, सुशांत के साथ रहती थी रिया चक्रवर्ती, ठीक है, अरे पका दिया यार, सुना सुना के पका दिया, ठीक है। ठीक है, आपका काम है इन्फॉर्मेशन देना, आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। इस समय ये दोस्तों मैंने mrunal.org से लिया है, ठीक है, बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा पेज लगा जो सर ने क्रिएट किया, लाजवाब पेज है। रिया दोस्तों इस समय ऐसा लगता है नेशनल विलन हो चुकी हैं, जिसे दिक्कत है रिया से ही दिक्कत है। अरे यार सीबीआई की रिपोर्ट तो एक बार आ जाने तो दिक्कत करो। सुशांत सिंह राजपूत, अगेन रिपीट करता हूँ भाई, मेरा फेवरेट एक्टर है, और इसलिए फेवरेट भी है कि उसकी फिजिक्स फेवरेट है, और जिसकी फिजिक्स फेवरेट है दोस्तों मैं उसका फेवरेट हूँ, क्योंकि जाति वाले हो गए ना हम लोग सेम, हम लोग एक ही कास्ट वाले हो गए। आप लोग अगर इंस्टाग्राम उठा के देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत का, तो बड़ी बढ़िया पोस्टर लिखी है, मतलब मुझे बहुत बंदा पसंद आया मुझे। तैमूर दोस्तों, नेशनल चाइल्ड ऑफ इंडिया हमारे, अनुष्का एंड करीना नेशनल मदर ऑफ इंडिया, भाई इन्हीं के बारे में पूरे दिन छाया रहता है, ठीक है। दाऊद इब्राहिम गर्लफ्रेंड दोस्तों, मुझे लगता है पाकिस्तान सिविलियन अवार्ड, भाई पूरे दिन छाया रहे। द हिंदू दोस्तों एक ऐसा न्यूज़पेपर था जो मुझे बड़ा पसंद था पढ़ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब मैं बहुत पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ। इसके अंदर ऐसे ऐसे ऐसा एडिटोरियल आते हैं ना आजकल, ऐसे ऐसे एडिटोरियल, इतना मतलब गवर्नमेंट का इतना क्रिटिसाइज करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा, मतलब बैलेंस व्यू ही नहीं है, ठीक है, बैलेंस व्यू है ही नहीं। और दोस्तों क्लिक बेट सेक्स थीम आर्टिकल लिखे जाते हैं, बुराई की जाती है दोस्तों कि ठीक है बच्चे आजकल बिगड़ रहे हैं, लेकिन वो जो जिस एडिटोरियल बुराई करी जाती है ना, उस पर एक ऐसा इमेज लगा होता है दोस्तों, जो कि समझ रहे हो ना आप, किस मैं क्या बोलूँगा, आप सब समझते हो, ठीक है। राजसभा TV इस दिनों अड़ चुकी है भाई कि नीट का और JEE का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, कराओ 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 यार, लेकिन NTPC का भाई को देख लो, अरे चरण में करा दो, आपसे कौन कह रहा है कि आप एक साथ कराओ, बच्चे ज़्यादा हैं, चरण में फेस में करा दो, ठीक है। ए से लेके बी लेटर तक का हम 2 तारीख कराएंगे, बी से लेके सी लेटर तक का हम 10 तारीख, भाई लॉजिस्टिक होंगे यार, टीचर आएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन जो 3 करोड़ बच्चा जिसका फ्यूचर तबाह हो रहा है, एटलीस्ट वो तो बचेगा, ठीक है। और लो भाई साहब IAS टीना डावी रॉयल एंट्री, मतलब यार मैं कुछ कह नहीं सकता, ऐसे ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, कतई समझ नहीं आता भाई क्या करें, ठीक है ना। तो ये कुछ हेल्प कर रहे हैं बच्चों की, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर आज तक ने तो भाई रेडी मार रखी है, समझ रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे न्यूज फ्लैश करता है जो कसम से देखने की मन नहीं करता, ठीक है। बस्ट मीडिया है इंडिया का, रैंकिंग जब दोस्तों डाउन जाती थी हमारे इंडिया की मीडिया की, तो हम सोचते थे यार पता नहीं क्या दिक्कत है, शुरू शुरू में दिन निकल नहीं थे, लगता था मीडिया अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हल्का समझ में आया भाई मीडिया किस तरीके की न्यूज़ों को दिखाता है, उसमें गलती हमारी मीडिया की नहीं है। अगर हम किसी न्यूज देखना ही छोड़ दें तो उनको TRP नहीं मिलेगी, TRP नहीं मिलेगी वो ऐसी न्यूज दिखाएंगे ही नहीं। लेकिन हमें और तुम्हें देखना पसंद है चटपटी न्यूज, तो भाई देखो IAS टॉपर कनिष्क कटारिया गर्लफ्रेंड, अरे यार क्यों दिखा रहे हो भाई, क्या करोगे इनको दिखा के, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अच्छा एक बात और मैं आपसे कह दूँ, प्राइम मिनिस्टर जी दोस्तों जो मेरे बहुत पर्सनली फेवरेट हैं, ठीक है, इनकी वीडियो पे भाई साहब एक, अभी आप देखते हो ना इनकी वीडियो के ऊपर 1 मिलियन डिसलाइक है, मतलब लाइक से 3 गुने डिसलाइक। ये दोस्तों यूथ का गुस्सा है, ठीक है, आप नहीं कराएंगे उनके पेपर सालों साल, अब क्या है यार बताओ, जब लोकसभा के इलेक्शन हुए आपने 2.5 करोड़ वैकेंसी निकाल दी NTPC की, ठीक है, बहुत खुश हुआ बच्चा, बहुत ज़्यादा है, आपने 2.5 करोड़ वैकेंसी निकाल दी, बच्चा बहुत खुश, बच्चे ने आपको वोट करा जम के, अब आप क्या कर रहे हो, क्या आप उनका एग्ज़ाम करा रहे हो, आप कराने के मूड में ही नहीं हो,
मुझे तो ऐसा लगता है कि सन 2024 में जब इलेक्शन होंगे ना, उससे 6 महीने पहले मोदी जी कराएंगे, जिससे उसका भी बेनिफिट ले पाएँ, ठीक है, बच्चों का जो फ्यूचर है ना उसका भी बेनिफिट ले पाएँ जाके। तो यहाँ पे 1 मिलियन डिसलाइक आ चुके हैं, ठीक है, 1 मिलियन डिसलाइक, और एक देश के राजा के लिए 1 मिलियन डिसलाइक आना बहुत बुरी बात है, बहुत ज़्यादा है। मतलब कंडीशन ये है ना कि भाई कमेंटें ऑफ करनी पड़ गई, हालांकि कमेंटें ऑफ होती हैं इनकी वीडियो की, मोदी जी की वीडियो की कमेंटें ऑफ होती है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन इसकी कमेंटें ऑफ करनी पड़ेगी मन की बात की, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ ही रहे हो। लास्ट में दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप एक टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं, या आप कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप के थ्रू बच्चों तक ये जानकारी पहुँचा सकते हैं, ठीक है, तो आप इस जानकारी को ज़रूर पहुँचाइए कि उनके साथ में क्या हो रहा है। 3-3 साल से लगे पढ़े लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे, ठीक है, बच्चा परेशान है यार, करे तो करे क्या, कहाँ क्या करे। तो मैं चाहता हूँ अगर आप एक टीचर हैं तो आप भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, ठीक है, और आप यहाँ पे बच्चों को जागरूक कीजिए कि बच्चे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें। जब तक यार गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं करेंगे ना, तब तक गवर्नमेंट के ऊपर दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, देखो पीएम जी जो हैं वो हमारे जो परिवार हैं उसके हेड की तरह हैं, भारत हमारा ही घर है, हमारा ही परिवार है, उसके हेड की तरह हैं पीएम। मुझे मोदी जी से, मैं सच बताऊं, कोई लेना देना नहीं, मुझे मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की उस पोस्ट से जिसे पीएम कहते हैं, ओके। पीएम जो साहब होते हैं हमारे देश के, वो हमारे एक फैमिली के हेड की तरह होते हैं, और जब भी ऐसे हमारी फैमिली हमारे फादर से ही दोस्तों की अनबन हो जाती है तो हम बात करते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ मैं चाहता हूँ स्टूडेंट दोस्तों गवर्नमेंट को थोड़ा प्रेशराइज करें, और प्रेशराइज कहाँ पे करें आपको पता है, प्रेशराइज करें ट्विटर के ऊपर। मैं देख रहा हूँ बच्चे फेसबुक के ऊपर डाल रहे हैं पोस्टें, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, लेकिन यार यहाँ डालने से कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट की एजेंसीज या फिर गवर्नमेंट की दोस्तों जितने भी ऑफिशियल्स हैं या जितनी मिनिस्ट्री हैं वो सब ट्विटर के ऊपर है, आपका फेसबुक नहीं चलाती वो, आपका व्हाट्सएप नहीं चलाती हैं, ठीक है, बहुत कम उन तक पहुँच पाता है। लेकिन अगर आप ट्विटर पे हैशटैग डालेंगे, ठीक है, आप टैग कीजिए मोदी जी के लिए, आप टैग कीजिए अमित शाह जी के लिए, आप टैग कीजिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर के लिए, आप टैग कीजिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के लिए, आप टैग कीजिए हमारे एसएससी कमीशन के लिए, आप टैग कीजिए एनटीपीसी के लिए, ठीक है, तो यहाँ वो आपकी बात सुनेंगे और ज़रूर सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे यार, काम हमारे लिए कर रहे हैं ना। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों से दोस्तों अपने काम से भटक गए हैं, तो हमारा ही धर्म है कि हमने याद दिलाएं और थोड़ा सा प्रेशराइज करें। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ट्विटर पर जाइए और अभी ट्वीट कीजिए दोस्तों, इन सबको टैग करके, मोदी जी को टैग कीजिए, अमित शाह जी को टैग कीजिए, जितने भी ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उन सबको टैग कीजिए, और जितने आप लोग बच्चा लोग हो वो ये काम करिए, और जितने टीचर लोग हैं, अगर दोस्तों आपके 100 भी हैं वीडियो देखने वाले लोग, तो दोस्तों आप वीडियो ज़रूर बनाइए, इससे बहुत स्टूडेंटों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हम लोग टीचर हैं, हम चाहते हैं पूरे डायस्पोरा जो है हमारा बच्चों को सपोर्ट करे, अगर बच्चे नहीं होंगे तो भाई क्या करोगे आप, सही है, मैं टीचर हूँ, अगर मेरे लिए मेरे बच्चे ही नहीं ठीक होंगे तो मैं क्या करूँगा, आप बताइए, ठीक है, मैं तो बैठे बैठे घर बैठे अनएम्प्लॉयड हो जाऊँगा, तो यह ज़रूरी है ना बच्चों के लिए सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा मैं, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप टीचर हैं तो इस पर एक वीडियो बनाइए, स्टूडेंट हैं तो ट्विटर पर जाइए दोस्तों, तुरंत टैग कीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट हमारी है, मैं हमेशा बोलता हूँ गवर्नमेंट हमारी है, लेकिन कभी कभी यार हो जाता है 19-20 होता है, देखो थिंकिंग का डिफरेंस होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सोच का अंतर होता है, लेकिन यार मैं चाहता हूँ सोच का अंतर ही रहे, इसके लिए गवर्नमेंट चुनावी मुद्दे की तरह ना इस्तेमाल करें। अभी अगर मैं एक नज़र से देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इसको चुनावी मुद्दे की तरह देख रही है, ठीक है, जिस स्टेट के अंदर चुनाव होते हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट तुरंत वैकेंसी से निकाल देती है, एग्ज़ाम नहीं कराने हैं उसके लिए, जॉब ही नहीं देनी है, वैकेंसी निकाल देगी बस, जिससे आपको लॉलीपॉप मिल जाए और आप खुश हो जाए 5 साल के बच्चे की तरह। तो यहाँ पे आप लोग बच्चा लोग हैं तो ट्विटर पर जाइए दोस्तों, और तुरंत देखो अपना हक मांगना बुरी बात नहीं होती, आप लोग ये समझ लो, अपने हक के लिए अगर आप खड़े नहीं होगे तो दोस्तों आपका हक और कोई मार के ले जाएगा। तो आप लोग जाइए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट हमारी हमारी ज़रूर सुनेगी, ठीक है, होपफुली पीसफुली और दोस्तों मोटिवेशनल तरीके से आप लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए, और आई गवर्नमेंट ज़रूर सुनेगी, ठीक है, और गवर्नमेंट के दोस्तों आपको अगेंस्ट में नहीं जाना, सपोर्ट में ही रहना है और रिक्वेस्ट करनी है, और यहाँ पे दोस्तों तानाशाही नहीं चल रही, नहीं है अंग्रेज़ जो हमारी ना सुने, ठीक है। तो चलो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, थैंक यू।